प्रश्नावली 2.1 प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब इसमें हमें 1, 2, 3, 4 सवाल दे रखे हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला सवाल है वह है 5x^3 + 4x^2 + 7x। हम सवाल को पुनः लिख लेते हैं कि सवाल हमारा क्या है, 5x^3 + 4x^2 + 7x। अब हम इस पूरे बहुपद में देखते हैं कि जो हमारे मान चर है, चर मतलब हमारे ये एक्स से है, तो चर चर की अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चर की अधिकतम घात यहाँ पर, यहाँ घात क्या है 1, यहाँ घात कितनी है 2, यहाँ घात कितनी 3। तो यहाँ चर की सबसे बड़ी घात कितनी मिली हमें, 3 मिली है। तो अब हम इसे लिख के बता देते हैं कि यहाँ हमें चर की अधिकतम घात 3 प्राप्त होती है, कि चूंकि यहाँ हमें चर की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है, 3 प्राप्त हो रही है, इसीलिए बहुपद की घात, इसीलिए बहुपद की घात। तो अब हमारी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। 3 ही हमारा क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा। हमें ये याद रखना है कि जो भी हमारी सबसे बड़ी घात होगी बहुपद के अंदर, वही हमारी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। आइए अब इसके बाद इसी का दूसरा सवाल हम देखते हैं कि, तो इसका जो दूसरा सवाल है वह है 4 - y^2। क्या है सवाल हमारा, 4 - y^2। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास चर क्या है, बाय, और बाय की घात कितनी है, ये 2। यही हमारी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। इसे हम लिख के बता देते हैं कि यहाँ हमें चर की अधिकतम घात 2 प्राप्त होती है, कि चूंकि यहाँ हमें चर की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है, 2 प्राप्त हो रही है, इसीलिए बहुपद की घात, इसीलिए बहुपद की घात। तो हमारी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इसका जो तीसरा सवाल है वह है 5t - 7 5t - √7। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो चर है वो कितना है हमारा, t है। तो t केवल एक ही चर है और जिसकी घात कुछ नहीं है, मतलब कितना है ये, 1 है। तो इसकी हम हिंदी लिख देते हैं कि यहाँ हमें चर की अधिकतम घात 1 प्राप्त होती है। तो यहाँ में जो चर की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही थी, ये 1 प्राप्त हो रही थी, इसलिए जो हमारी बहुपद की घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 ही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसके बाद इसी का चौथा सवाल, तो इसके चौथे सवाल को हम देखते हैं जो है कितना है, ये 3 है। तो मैं 3 को इस तरह से रख सकता हूँ कि जैसे 3x^0। तो हमें पता है कि x की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3 × 1। x की घात 0 को मैंने मान रख दिया, कितना हो गया वो 1। जब मैं 3 का गुणा 1 में करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 3। 3 × 1 = 3। ये वापस मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो इसे अब मैं हिंदी लिख कर बता देता हूँ, यहाँ चर की अधिकतम घात 0 यानी 0 है, इसीलिए जो चर की अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसीलिए बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी हमारी, ये 0 हो जाएगी, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नावली 2.1 प्रश्न क्रमांक 5 बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अब इसमें हमें ये 7 सवाल दे रखे हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला सवाल है वह है x^2 + x। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1, 2 पद है, और हमें क्या बताना है इसमें कि कौन सा पद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और त्रिघाती है। तो घात देखते हैं हम, तो इसकी घात कितनी है, ये 1 है, और इसकी घात कितनी है, ये 2। सबसे बड़ी घात को हमें देखना है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, ये 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद द्विघाती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये द्विघाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। हम इसको लिख के बता देंगे कि यह द्विघाती बहुपद है। अब इसके बाद इसी का जो दूसरा सवाल है वह है x - x^3। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि 1, 2 पद है हमारे पास। अब इनकी घातें देखते हैं कि इसकी घात कितनी है, ये 1 है, और इसकी घात कितनी है, ये 3 है। तो घात कितनी हो गई इसकी, 3। तो ये कौन सा घात, ये हो जाएगा, ये है त्रिघाती। घात 3 होने के कारण क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती। तो यह है त्रिघाती बहुपद है। अब इसके बाद इसी का तीसरा सवाल, तो इसके तीसरे सवाल को हम देखते हैं, वह है y + y^2 + 4। अब इसमें हम देखते हैं कि 1, 2, 3 पद हैं। अब इसकी सबसे बड़ी घात, तो इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 2, और इसकी घात ये 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, ये 2। 2 घात होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये द्विघाती। तो यह है द्विघाती
बहुपद है, यह द्विघाती बहुपद है। अब इसी तरीके से इसके चौथे सवाल पे हम चलते हैं। तो इसका जो चौथा सवाल है वह है 1+x। तब हम इसमें देखते हैं इसमें कितने पद हैं, ये एक दो पद है और इनकी जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, एक्स की घात एक। कुछ नहीं होता तो घात कितनी होती है, एक होती है, और ये संख्या तो यहाँ एक्स की घात कितना है, ये जीरो है। तो घात कितनी है इसकी, एक है। एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं, रेखिक बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यह है रेखिक, यह है रेखिक बहुपद है, यह रेखिक बहुपद है। अब इसके बाद इसी का पांचवा सवाल, अब इसका जो पांचवा सवाल है वह है 3t। अब इसमें तो एक ही पद है, 3t मतलब ये एक ही पद है, और ये भी क्या है, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि घात कितनी है इसकी, एक है। एक घात वाला क्या कहलाएगा हमारा, रैखिक बहुपद। तो ये हो गया, ये है रैखिक बहुपद है। अब इसके बाद इसी का अगला सवाल छठा जो सवाल है वह है आर की घात 2। अब हम इसमें देखते हैं कि घात कितनी है, ये 2 है। पद तो एक ही है लेकिन घात कितनी है, ये 2 है। घात 2 होने के कारण यह द्विघाती बहुपद है। हम इसको लिख के बता देते हैं कि यह है द्विघाती बहुपद है। यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। और इसके बाद आखिरी इसी का सवाल, सातवां सवाल जो है 7x की घात 3। तो 7x की घात 3 में हम देखते हैं कि कितने पद है, एक पद है, लेकिन घात कितनी है सबसे बड़ी, 3। तो घात 3 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। तो ये हो गया, यह है त्रिघाती बहुपद है, यह है त्रिघाती बहुपद है। इसके बाद यह प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है।